शाहजहांपुर में स्वच्छता के नाम पर बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। मामला विकासखंड सिंदौली क्षेत्र का है, जिसमें नियमों को ताक पर रखते हुए हेराफेरी का खेल खेला जा रहा है। सफाई कर्मी के पद पर तैनात कोई और है और कोई और काम कर रहा है। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां कोई महाशय काम ही करने नहीं आते, ग्राम प्रधान मिलकर तनख्वाह की मोटी रकम पा लेते हैं। ऐसे ही मामला गांव खिरिया रसूलपुर का है, जहां सफाईकर्मी पद पर मोहम्मद सलीम तैनात हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में ही हैं। काम करने के महाशय ने गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को काम के लिए लगा रखा है। जब बुजुर्ग से बात की गई तो पता चला कि बुजुर्ग को 4,000 रुपये प्रतिमाह देता है, उसके एवज में बुजुर्ग से काम करवाता है। इस बाबत में गांव में तैनात सफाईकर्मी सलीम से पूछा गया तो कहा कि थोड़ा बहुत हम खुद भी कर लेते हैं, बाकी बुजुर्ग करता है। एडीओ पंचायत अरविंद वर्मा ने कहा है कि शिकायत मिलने पर मैंने खुद निरीक्षण किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे हम लोग टूट पे जाते हैं या हमारा सेक्टर रेडियो जाता है, हाँ जी, तो वहाँ पे हम लोग निरीक्षण करते हैं। लेकिन सर ग्राम खिरिया रसूलपुर सफाई कर्मी जो वहाँ पे है, उसने किसी वृद्ध को वहाँ पे लगा रखा है कार्य के लिए। खिरिया रसूलपुर का मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया गया, लेकिन उसके वहाँ पे संबंध वृद्ध में जो अभी है, हम आख्या बनाने जा रहे हैं, कार्रवाई होगी। इसके अलावा भी समय समय पर कहीं मतलब और दूसरी जगह ग्राम पंचायतों में दूसरे लगे हुए, क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है? जहाँ कहीं का हमको मिलता है हम एक्शन जरूर करवाते हैं।